हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल हाँ जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो कैसे हैं सारे ठीक ठाक हैं आज बात करते हैं आर्मेनिया के बारे में आर्मेनिया का वीज़ा है जो टूरिस्ट है कुछ वर्क परमिट या ऐसे जो भी एजेंट आपको बोलते हैं तो आज उसके बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो बात करते हैं आर्मेनिया के वीज़ा के बारे में पंजाब से अभी कुछ टाइम पहले से ये क्रेज़ चल रहा है कि उनको रोमानिया बोलकर या यूरोप की कंट्री बोलकर आर्मेनिया भेज दिया जाता है जो कि आर्मेनिया यूरोप में नहीं है वो वेस्टर्न एशिया में पड़ता है कंट्री है वो यूरोप की कोई कंट्री नहीं है दूसरा वहाँ की जो करेंसी है वो अर्मेनियन द्राम है जो कि बहुत ही लो कॉस्ट की है इंडिया के अकॉर्डिंग और वहाँ पे जो द्राम चलता है वहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ा नोट है जो दो जैसे इंडिया में दो हज़ार का नोट सबसे बड़ा नोट है लेकिन वहाँ पे बीस हज़ार और पचास हज़ार के भी नोट हैं वहाँ पे मतलब वहाँ की करेंसी है बीस हज़ार द्राम और पचास हज़ार द्राम तक के नोट चलते हैं वहाँ पर वो कोई ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है वहाँ की पॉपुलेशन भी पचास से साठ लाख है ठीक है वो छोटी सी कंट्री है लेकिन क्रिश्चन कंट्री है वो गोरे रहते हैं अंग्रेज की कंट्री है नहीं कि मुस्लिम कंट्री है वो कल्चर भी ठीक बहुत अच्छा है उनका एक तरीके से यूरोपियन कल्चर ही फॉलो करते हैं वो।, वो रशिया में से डिवाइड होकर कंट्री बनी हुई है जब सोवियत यूनियन हुआ करती थी जब वो टूटी थी उसके बाद ये कुछ कंट्रियाँ बनी थी जैसे अजरबैजान जॉर्जी आर्मेनिया और इधर का उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सारे तो बात यह है पंजाब से एजेंट भेज देते हैं ये बोल के कि आर्मेनिया का वर्क परमिट है वहाँ पे पैकिंग की जॉब है वहाँ पे ये जॉब है लेकिन ये सब झूठ है भाई वहाँ पे अगर आपको सैलरी भी मिलेगी तो मैक्सिमम बीस हज़ार रुपये मिलेगी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि तीन सौ डॉलर से ऊपर वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती वहाँ पे आपको किस तरह के जॉब मिलेंगे जैसे वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं ना जैसे स्विमिंग पूल और ये इसको क्लीनिंग की जॉब आपको मिल सकती है लेकिन जो मैं आपको सैलरी बताइए इतनी कम सैलरी है वहाँ पर इससे ज़्यादा अगर कोई एजेंट आपको बोलता है तो झूठ है वो और दूसरी वहाँ पे रेस्टोरेंट की अगर बात करते हैं तो आपको किसी भी अर्मेनियन रेस्टोरेंट में नहीं रखा जाएगा अगर आपको रखा भी जाएगा तो इंडियन रेस्टोरेंट में रखा जाएगा तो इंडियन के पास अगर आप बाहर आपको जो रेट देंगे वो अपना इंडियन आदमी आपको कभी भी और उस रेट में आपको जॉब पर नहीं रखेगा ये सब जानते हैं तो वहाँ पर कोई ज़्यादा जॉब के ऑपरचुनिटी नहीं है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं किसी से सुन के नहीं बोल रहा खुद मैं वहाँ पर एक साल रह के आया हूँ अर्मेनिया में वहाँ पे काम की सिचुएशन बहुत ही कई एजेंट वहाँ से क्या करते हैं इंडिया से तीन तीन चार चार लाख रुपए लेके उनको आर्मेनिया भेज देते हैं और वो उनको वहाँ पर फंसा देते हैं उसके बाद कोई जॉब नहीं मिलती फिर उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है और परेशान होकर धक्के खाकर कर वहाँ पर फिर इंडिया जाना पड़ता है तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ के बारे में खुद अवेयर हो आप और देखें और वहाँ का वीज़ा कुछ टाइम पहले वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल था जो कि फ्री में मिलता था टिकट ली और आप वहाँ पे चले गए जैसे सर्बिया जाते थे ना सर्बिया का वीज़ा अराइवल है ऐसे आर्मेनिया का वीज़ा भी अराइवल था अभी सर्बिया का भी बंद हो चुका है लेकिन सर्बिया से डिपोर्ट भी कर देते थे आर्मेनिया से कभी किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाता था आप मैं आप खुद अपनी टिकट रेडी करें होटल बुकिंग करें और आप चले जाएँ तो आपको मिल जाता था लेकिन अभी उन्होंने ई वीज़ा कर दिया है जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप ऑनलाइन उसका अप्लाई करके ले सकते हैं वीज़ा को और वहाँ का कोई अगर आप वहाँ की अप डाउन की टिकट भी कराते हैं तो मैक्सिमम वो तीस हज़ार के आसपास की अराउंड तीस हज़ार पैंतीस हज़ार अप डाउन तो ये खर्चा आता है वहाँ का ये सब झूठ है वर्क परमिट है पैकिंग की जॉब है ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे वहाँ पे काम नहीं है बहुत ही बुरे हालात हैं तो इसलिए मैं यही बोलूँगा किसी एजेंटों के चक्कर में ऐसे ना फंसें पहले सोचें समझें फिर आर्मेनिया का सोचें हाँ अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं रोमानिया अच्छा है वहाँ पर वर्क परमिट भी लगता है वहाँ पर सैलरीज भी अच्छी हैं स्टार्टिंग पचास साठ ऐसे है, है कहीं वहाँ पर अस्सी नब्बे तक भी कमाते हैं वो किस स्कल में गए हुए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन आर्मेनिया में जॉब के बिल्कुल नहीं है अगर आप ये बोल के कोई आपको भेजता है कि आप वहाँ पे साठ सत्तर हज़ार कमा लोगे इतने कमा लोगे तो ये झूठ है भाई किसी के पास ज़्यादा पैसे ना खर्चें तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कुछ जानकारी चाहिए आर्मेनिया के बारे में नीचे कमेंट करें और दूसरा नेक्स्ट पार्ट अभी मैं बनाऊँगा रशिया के टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा और वर्क परमिट के बारे में कि कितने कॉस्ट है उनका और कितने में वो आपको वीज़ा प्रोवाइड होता है तो थैंक यू ऐसे ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो को शेयर करें